हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो कल हमने क्या एक्सरसाइज 19.7 का क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से फुल कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखना है। आज पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे एक्सरसाइज 19.7 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप क्या कीजिए, जेड मान लेते हैं। किसको मानना पड़ेगा, जेड बराबर मानना पड़ेगा लॉग एक्स को, ठीक है। तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, 1/x dx, ठीक है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएबिलिटी 1/x होता है, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रल पे, तो कॉस लॉग एक्स की जगह पर रखेंगे जेड, और ये क्या है 1/x dx माना है डी जेड के बराबर, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो ये साइन जेड हो जाएगा। प्लस सी, साइन ऑफ जेड का वैल्यू हमारा क्या था, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, यही रहा अपना आंसर। तो आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों, आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसका दो दो क्वेश्चन है, 10 का फर्स्ट और सेकंड, दोनों का सोल्यूशन बहुत ईजी तरीके से होगा। इसमें इसके सोल्यूशन में आप जेड मान लीजिए लॉग एक्स को, तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, 1/x dx होगा। तो इंटीग्रल इसके बाद देखिए, नाउ इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स के जगह पे हम जेड रखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड हो जाएगा, और 1/x dx अपना किसके बराबर है, डी जेड के बराबर है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, ये हो जाएगा टेन जेड प्लस सी, ठीक है। जेड का वैल्यू पुट कर देंगे तो टेन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखिए, इसमें जेड मान लीजिए, इसमें भी लॉग एक्स को ही मानेंगे, लॉग एक्स को, तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, 1/x dx होगा। तो इंटीग्रल देखेंगे इसके बाद, तो लॉग एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, जेड, कॉसेक स्क्वायर जेड होगा, और 1/x dx अपना है डी जेड के बराबर। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉट जेड हो जाएगा प्लस सी, तो ये हो गया माइनस कॉट, और जेड का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स प्लस सी, यही रहा अपना आंसर। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सलूशन भी बहुत ही ईजी तरीके से होगा। इसमें आप जेड मान लीजिए 2/3 लॉग एक्स को, तो अपना डी जेड क्या हो जाएगा, 2 का डिफ्रेंशिएबिलिटी एक्स के सापेक्ष तो 0 होगा, लेकिन 3 लॉग एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रल नहीं, डिफ्रेंशिएबिलिटी, तो 3/x हो जाएगा, 3/x dx होगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या सिर्फ 1/x dx का चाहिए, तो इस 3 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/x dx, ठीक है। तो आइए अब देखेंगे इंटीग्रल इसका, तो हो जाएगा साइन जेड हो जाएगा, 2/3 log x को हमने जेड माना है, तो साइन जेड हो जाएगा, और 1/x dx का वैल्यू क्या है, डी जेड बाई 3 है, तो 1/3 आएगा, कांस्टेंट है बाहर में, और साइन जेड का इंटीग्रल चाहिए किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तो साइन जेड का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस जेड हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 1/3 हो जाएगा, और कॉस जेड के जगह पर क्या हो जाएगा, 2/3 log x प्लस सी, तो हो गया, यही आंसर है अपना क्वेश्चन नंबर 11 का, नोट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा है। इसका सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से चूंकि सॉल्व करना है, तो जेड मानना पड़ेगा किसी को, तो जेड मान लेते हैं हम किसको, टेन रूट एक्स को, तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, टेन रूट एक्स का इंटीग्रल रूट एक्स के सापेक्ष अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और फिर बच गया क्या, रूट एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष ना अवकलन चाहिए हमको, तो रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 1/2 रूट एक्स है, तो इसको सीधे में बट्टा 2 रूट एक्स लिख देते हैं, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, सॉरी ये बट्टा dx है, तो ये dx चला जाएगा उधर। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे का इंटीग्रल, तो ये टेन रूट एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, जेड, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स बट्टा रूट एक्स, तो ये दो जो कांस्टेंट है हमारा क्या चला जाएगा, इधर गुना में, तो ये हो जाएगा 2dz, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बट्टा रूट एक्स डी एक्स हमारा किसके बराबर हो गया, 2dz के बराबर हो गया, तो दो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, जेड का इंटीग्रल किसके सापेक्ष चाहिए, जेड के सापेक्ष, 2 × z का इंटीग्रल जेड के सापेक्ष क्या होगा, जेड स्क्वायर बट्टा 2 प्लस सी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस सी, और जेड का वैल्यू जो है वो पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी, यही रहा अपना आंसर। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन भी बहुत ही इजी तरीके से होगा। इसमें जेड मान लेंगे किसको, इसमें लेट जेड बराबर मान लीजिए लॉग एक्स को, तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रल देखेंगे अब इसके बाद, तो क्या करेंगे लॉग एक्स की जगह पे हम जेड रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वन बाय कॉस स्क्वायर जेड हो जाएगा, लेकिन वन बाय एक्स मतलब वन बाय एक्स और डी एक्स मतलब किसके बराबर है, डी जेड के बराबर है। तो इंटीग्रल बस इतने का निकलना है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रल जेड के सापेक्ष। तो सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रल क्या होता है, जेड के सापेक्ष ये होता है टेन जेड प्लस सी हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू पुट कर लीजिए टेन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, यही रहा अपना आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो दोस्तों देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का सलूशन, इसमें भी बहुत ही इजी तरीके से इसका सलूशन करेंगे। तो इसके सलूशन में क्या करना होगा, जेड मानना होगा, तो जेड मानिए किसको, ई टू दी पावर एक्स को, तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का बोला एक्स के हिसाब से ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद इंटीग्रल, तो ये क्या हो जाएगा टेन जेड हो जाएगा, टेन जेड ये क्या हो जाएगा सेक जेड, और e टू द पावर x dx एक्स हमारा किसके बराबर है, डी जेड के बराबर। तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रल चाहिए किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका इंटीग्रल आपने क्या पढ़ा है, इंटीग्रल इसका सेक जेड इंटू टेन जेड का इंटीग्रल जेड के सापेक्ष है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा सेक जेड प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक, और जेड का वैल्यू क्या था अपना, ई टू द पावर x, तो सेक ई टू द पावर x प्लस सी, यही रहा अपना आंसर। तो आइए, तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें इसके सॉल्यूशन में आप जेड मान लीजिए किसको, लेट जेड बराबर मान लेते हैं रूट अंडर एक्स प्लस वन को, तो इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, एक बट्टा टू रूट अंडर एक्स प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। तो आइए इसके बाद देखते हैं इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो ये दो जो कांस्टेंट, ये नीचे में क्या है हमारा, सिर्फ रूट अंडर एक्स प्लस वन है, तो ये दो जो है इधर चला जाएगा गुना में, ठीक है। तो इधर सिर्फ क्या करेंगे, जेड की मतलब रूट अंडर एक्स प्लस वन की जगह पे जेड रखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड, और वन बाय रूट अंडर एक्स प्लस वन डी एक्स हमारा है टू डी जेड के बराबर, तो ये हो जाएगा टू डी जेड। तो दो कांस्टेंट है बाहर आएगा, सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रल जेड के सापेक्ष चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा टेन जेड प्लस सी। जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए टू टेन, और जेड का वैल्यू क्या है अपना, रूट अंडर एक्स प्लस वन प्लस सी, यही हो जाएगा अपना आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। तो दोस्तों आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का सलूशन, बहुत ही ईजी होगा इसका भी सलूशन। इसमें जेड किसको माने, एक्स स्क्वायर प्लस वन को माने, ठीक है। तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ टू एक्स और डी एक्स अपना है ही, तो रहने दीजिए और कुछ काम नहीं करना, इंटीग्रल देखते हैं। साइन और एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू है जेड, तो साइन जेड हो जाएगा, और टू एक्स डी एक्स अपना है डी जेड के बराबर, तो ये हो गया। तो इसका इंटीग्रल सीधे हो जाएगा माइनस कॉस जेड प्लस सी, तो माइनस कॉस और जेड का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, यही हो गया अपना आंसर। दोस्तों आइए देखते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का, इसमें जेड किसको मानना होगा, जेड किसको मानना होगा, लेट जेड बराबर मान लेते हैं कॉस एक्स को, तो ठीक है डी जेड अपना क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, माइनस को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस डी जेड। तो इंटीग्रल देखेंगे इसके बाद, तो ये साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो साइन कॉस एक्स की जगह पे हम रखेंगे जेड, और साइन एक्स और डी एक्स अपना किसके बराबर है, माइनस डी जेड के बराबर है, ठीक है। तो माइनस कॉन्स्टेंट बाहर चला आएगा, और ये हो गया साइन जेड इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, ठीक है। तो साइन जेड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस जेड हो जाएगा, माइनस कॉस जेड प्लस सी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब सिर्फ कॉस जेड प्लस सी होगा। कॉस और जेड का वैल्यू क्या है अपना, कॉस एक्स है, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, यही रहा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों इसमें आप जेड किसको मानिएगा, तो जेड बराबर मान लेते हैं हम एक्स ई टू दी पावर एक्स का, तो डी जेड बट्टा डी एक्स अपना क्या होगा, इसको थोड़ा विस्तार में समझिए। तो अब कलन निकालने का जान लीजिए, पहले डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है हमको इस एक्स ई टू दी पावर एक्स का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो पहले हम एक्स का निकालते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी एक्स के सापेक्ष था वन, और इसको गुना कर देंगे, ठीक है, और प्लस। अब इसके बाद इसको रख लेंगे, और इसका फिर डिफरेंशिएबिलिटी निकाल के गुना कर देंगे, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा। तो डी जेड बराबर अपना क्या हो गया, ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स, और ये डी एक्स चला जाएगा इधर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से डी जेड अपना क्या आ गया,
इस दोनों में से हम ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया, वन प्लस एक्स डी एक्स ऊपर वाला आ गया। तो इंटीग्रल देखते हैं इसके बाद, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में साइन स्क्वायर और एक्स ई टू द पावर एक्स को माने हैं जेड, तो एक बट्टा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड और ई टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स, ये अपना है डी जेड के बराबर। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर जेड, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। तो आइए अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट जेड हो जाएगा प्लस सी, तो माइनस और कॉट और जेड का वैल्यू पुट कीजिए क्या है, एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, यही रहा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते। तो दोस्तों देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों। इसमें जेड आप मान लीजिए किसको, रूट अंडर एक्स और माइनस थ्री को मान लीजिए, तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा टू रूट एक्स और इसका तो जीरो हो जाएगा, तो यहीं पर रहने दीजिए। लेकिन बट्टा में सिर्फ अपना क्या है, रूट एक्स है, तो इस दो को आप ले जाइए इधर तो ये चला जाएगा गुना में। तो आइए इंटीग्रल देखा जाए, तो कॉस ये क्या हो जाएगा और उसका वैल्यू है जेड और ये क्या है वन बाई रूट एक्स डी एक्स अपना है टू डी जेड के बराबर। तो दो कांस्टेंट है बाहर आएगा, कॉस जेड का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तो कॉस जेड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन जेड हो जाएगा प्लस सी। तो दो साइन और जेड का वैल्यू क्या है अपना, रूट अंडर एक्स माइनस थ्री प्लस सी, यही हो गया अपना आंसर। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही ईजी तरीके से होगा। तो इसमें आपको z मानना पड़ेगा, z बराबर किसको मान लेते हैं 2 प्लस log x को, ठीक है। तो अपना dz बराबर क्या हो जाएगा 2 है, तो 2 का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा 0, log x बच गया, तो log x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बाय x होता है, तो dz बराबर 1 बाय x dz dx हो गया। तो इंटीग्रल अब देखिए sec स्क्वायर और वो z के बराबर है और 1 बाय x dx अपना है dz के बराबर, तो sec स्क्वायर z का अवकलन इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan z प्लस c, tan और z का वैल्यू क्या है अपना 2 प्लस log x, तो यही हो गया अपना आंसर। बहुत ही ईजी ईजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, फिर भी सॉल्व कर दिए हैं, तो आइए देख लेते हैं दो तीन क्वेश्चन बचे हैं उनको। तो दोस्तों आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों इसमें आप जेड किसको मानिएगा, बहुत ही साफ साफ दिख रहा है, लेट जेड बराबर मान लेते हैं किसको, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को, तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक है तो एक्स के गुणांक से हम गुणा करते हैं और एक बट्टा टू रूट अंडर एक्स तो होता ही है, तो ए एक्स प्लस बी, ये हो गया अपना अवकलन। डी जेड का अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष हो गया, इस जेड का अवकलन एक्स के सापेक्ष, लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, वन बाय रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इस दो को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये चला जाएगा गुना में और इस ए को लाएंगे इधर तो ये आ जाएगा भाग में, मतलब टू बाय ए डी जेड आ गया। इधर से इस दोनों को हटा दीजिए, ऊपर में क्या हो जाएगा वन। तो आइए अब देखते हैं इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो कॉस और रूट अंडर ए एक्स प्लस बी अपना है जेड के बराबर और इसका जो वैल्यू है अपना किसके बराबर आ गया, टू डी जेड बाई ए के बराबर, तो दो बाई ए हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए। इंटीग्रल ऑफ कॉस जेड का किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तो टू बाई ए इसका अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन जेड हो जाएगा प्लस सी, तो क्या लिख सकते हैं टू बाई ए साइन और जेड का वैल्यू है अपना रूट अंडर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यही रहा अपना आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ईजी सा इसका सोल्यूशन होगा। इसमें जेड मान लीजिए आप जेड बराबर 3 प्लस 2 log x को, तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा 2 बट्टा x dx हो जाएगा, लेकिन अपने को चाहिए सिर्फ 1 बाई x dx, तो इस दो को हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 1 बट्टा x dx हो गया। तो आइए देखते हैं अब इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा साइन क्यूब और ये अपना है z के बराबर और ये 1 बाई एक्स डी एक्स अपना कितने के बराबर होगा dz बाई 2 के बराबर, तो 1 बट्टा 2 अपना बाहर आएगा और साइन क्यूब x क्या होता है आपने पढ़ा है 3 साइन x मतलब 3 साइन z माइनस साइन 3 z बट्टा 4 हो जाएगा, इंटीग्रल किसके सापेक्ष z के सापेक्ष, इसमें से भी 4 कांस्टेंट बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 8, इंटीग्रल सिर्फ चाहिए 3 साइन z का और माइनस साइन 3 z का, ठीक है, किसके सापेक्ष z के सापेक्ष, सेपरेट करेंगे तो 1 बाई 8 है, इसमें से 3 कांस्टेंट बाहर आएगा तो यहाँ 3 चला आएगा 3 और इंटीग्रल किसके साथ किसका सिर्फ चाहिए साइन z का, z के सापेक्ष, फिर इसमें माइनस, इसमें से कोई कांस्टेंट नहीं बाहर आएगा तो 1 बाई 8 ही रहेगा, इंटीग्रल ऑफ किसका चाहिए साइन 3 z का z के सापेक्ष। तो आइए देखते हैं इसके आगे का सोल्यूशन, ये 3 बट्टा 8 है तो 3 बट्टा 8 रहेगा और साइन z का इंटीग्रल z के सापेक्ष क्या हो जाएगा माइनस कॉस z, ठीक है।
ये तो एक हो गया, फिर माइनस एक बट्टा आठ है कॉन्स्टेंट रहने दीजिए, साइन थ्री जेड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थ्री जेड हो जाएगा और बट्टा सॉरी जेड होगा और एक्स जेड का गुणांक अपना है तीन, तो तीन से भाग दे देंगे प्लस सी। तो देखिए ये तो क्या हो गया माइनस तीन बट्टा आठ कॉस, जेड का वैल्यू क्या है थ्री प्लस टू रूट एक्स, थ्री प्लस टू लॉग ऑफ एक्स था, ठीक है। और ये क्या इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बट्टा आठ तिर चौबीस और कॉस ऑफ थ्री जेड है तो थ्री इंटू जेड का वैल्यू क्या है थ्री प्लस टू लॉग एक्स है प्लस सी है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये माइनस तीन बट्टा आठ कॉस ऑफ थ्री प्लस टू लॉग एक्स है और प्लस एक बट्टा चौबीस कॉस, और इसको गुना करने पर क्या हो जाएगा तीन तिया नौ प्लस तीन दूनी छः लॉग एक्स प्लस सी, यही अपना आंसर नोट कीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप जेड मानिए कि इसको लेट जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स को, ठीक है। इसमें टेन इनवर्स एक्स को हम जेड मान ली तो डी जेड होगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है वन प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष हो जाए। अब देखिए इसके बाद इसका इंटीग्रल निकालते हैं तो साइन और टेन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या रखेंगे जेड, और वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपना किसके बराबर है डी जेड के बराबर है, तो साइन जेड का अब इंटीग्रल क्या हो जाता है माइनस कॉस जेड प्लस सी, तो ये हो गया माइनस कॉस और जेड का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही हो गया अपना आंसर। तो आइए देख लेते हैं एक्सरसाइज 19.7 का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, बहुत इजी तरीके से होगा दोस्तों। इसमें आपका सोल्यूशन देखिए, जेड किसको मानना होगा, जेड मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स टू द पावर फोर, तो इसका आप कलन अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का तो वन बाय वन प्लस, और एक्स का अपना एंगल क्या है इसका स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के पावर चार का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर आठ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद इसका एक्स के पावर फोर का भी अवकलन निकालेंगे तो इसका क्या होता है फोर, मतलब जो पावर में है वो गुना में चलाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए सिर्फ एक्स क्यूब बट्टा वन प्लस एक्स टू दी पावर एट, एक्स क्यूब बट्टा वन प्लस एक्स टू दी पावर एट, इस चार को क्या करेंगे हम इधर भाग में ले जाएंगे डी जेड बट्टा क्या हो जाएगा चार। तो आइए इंटीग्रल इसका देखते हैं तो साइन की साइन और टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर फोर की जगह पे हम रखेंगे जेड, ठीक है। और एक्स क्यूब बट्टा वन प्लस एक्स टू दी पावर ये हमारा है किसके बराबर डी जेड बाई फोर के बराबर, तो एक बट्टा चार कॉन्स्टेंट है बाहर चलाएगा, साइन जेड का इंटीग्रल चाहिए जेड के सापेक्ष तो हो जाएगा एक बट्टा चार और इसका अवकलन हो जाएगा माइनस कॉस जेड प्लस सी, तो ये क्या हो गया माइनस वन बाई फोर कॉस और जेड का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर फोर प्लस सी। तो दोस्तों यही रहा आपने एक्सरसाइज 19.7 लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि अभी ज़रूरी है। तो चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के सोल्यूशन के साथ, समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही प्यारे तरीके से। थैंक यू।